कोविड-19 की वजह नोएडा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ रावण के पुतले का दहन। रावण दहन देखने वंचित रह गए दर्शक। रावण 20 फीट और मेघनाथ कुंभकर्ण का 15-15 फीट का पुतला जलाया गया। असत पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय के साथ नोएडा सेक्टर 21 स्थित स्टेडियम में रावण कुंभकर्ण सहित मेघनाथ का पुतला फूंका गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रावण के पुतले के दहन की परंपरा को कायम रखने के रावण का प्रतिक्रमात्मक पुतला बनाया और उसे आग के हवाले करके रावण दहन किया। सेक्टर 21 ए स्थित नोएडा स्टेडियम में श्री सनातन धर्म रामलीला समिति की ओर से 20 फुट रावण, 15 फुट मेघनाथ और 15 फुट कुंभकर्ण का पुतला जलाया गया। इस बार किसी भी दर्शक को स्टेडियम के अंदर एंट्री नहीं दी गई और खासकर मास्क, सैनिटाइजर सहित सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। इस अवसर पर हम मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक पंकज सिंह, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और महिला आयोग अध्यक्ष विमला वातम मौजूद रहे। देखिए, ये मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी एक अनुभव है। 38 वर्षों से मैं नोएडा में हूँ और उससे पहले चांदनी चौक में मैं रहता था, तो वहाँ पर लाखों की भीड़, कंधे से कंधा टकराना और कंपटीशन होता था कि रावण की ऊंचाई कितनी हो। आज विशेष परिस्थितियों के अंदर जो आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, आज उस त्यौहार को हम मनाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, ये एक विशेष स्थिति है कोरोना महाकाल के अंदर। कोरोना काल के अंदर जब उन्होंने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई कोताही नहीं, कोई ढिलाई नहीं, हमें उसका ध्यान रखना है। हमें स्वयं को बचाना है, हमें अपने परिजनों को बचाना है, देशवासियों को बचाना है, मानवता को बचाना है। महेश जी, रावण दहन बच्चों के लिए खास आकर्षण का सी विशेष परिस्थितियां हैं, मैं भी इसकी कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ। इसी दीवार, इसी के मैदान के अंदर मैं पिछले 25-20 वर्षों से आ रहा हूँ। इस रावण दहन के स्थल पर जहाँ दिल रखने की जगह नहीं होती थी, आज परिस्थितियों और व्यवस्थाओं के तहत आज हम देख रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से हम त्यौहार मना भी रहे हैं और सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए, सारी जो भी व्यवस्थाएँ बनाई गई उन सबका ध्यान रखते हुए कोरोना से बचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सच में ये परिस्थिति तो साधारण नहीं है, लेकिन इस बात को सुना जो उत्साह लोगों के मन में है, जो भाव है, जो संदेश इस पर जो है वो तो हम लोगों के सामने है ही, और मन से सब उत्साहित है। एक बात जरूर, ये बात जरूर है, बहुत मेले लगता था, बड़ी व्यवस्थाएं होती थी, लोग आते थे, बच्चे होते थे, लेकिन अब आज की ऐसी परिस्थिति है, विषम परिस्थिति में, अब इसलिए उसको मैनेजमेंट कमेटी ने इसको रिस्पेक्ट जरूर किया है, थोड़ा रोका है छोटा, लेकिन फिर भी क्योंकि एक प्रथा लंबे समय से चली आ रही थी और उसको निभाना भी चाहिए। यह संदेश भी देता है, अनेकता में एकता का संदेश भी मुझे लगता है कि हमारे इन सब त्योहारों से निकलता है, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम हमारे ये पर्व करते हैं। ये सब संदेश तो हम यहाँ से लेकर जाएंगे और माँ से प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से ये परिस्थिति भी समाप्त हो। ये तो देखिए, देखने के अगर सिर्फ इस दृष्टि से देखें, आकर्षण की दृष्टि से तो ये है ज़रूर, लेकिन फिर भी जो संदेश इसका है कि चाहे कितने भी फुटका बने, असत्य हमेशा ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए वो पराजित ही होगा। अधर्म कितना भी व्यापक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी धर्म से वो पराजित परास्त ही होगा। यह जो लोग जो आशा करूंगा कि अगले साल जल्द से जल्द ये सब चीज़ें ठीक हो, दिवाली ही ठीक हो जाए, छठ का पर्व है अभी आने वाला है, तो मैं ज़रूर प्रार्थना करूंगा भगवान से और करता भी हूँ कि जल्दी से ये सारी चीज़ें ठीक हों और सब लोग निकल कर स्वतंत्र खुले हवा में आएँ और स्वतंत्र होकर वो घूमें, त्योहारों का पूरा उत्साह के साथ वो निकल पाएँ, आनंद उठा सकें, बच्चे निकलें, उनकी किलकारियाँ सड़कों पर, उनके पार्कों में सुनाई दें, ये सब हम सब लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।